इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। श्रीनगर के प्रताप पार्क में अभी हम मौजूद हैं और ये पार्क तारीखी पार्क है, ये हार्ट ऑफ द सिटी में मौजूद है और यहाँ आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, शायद ये कि हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड है या प्रेस कॉलोनी के नज़दीक है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबे क्या है। हम यहाँ कंट्रेक्चुअल टीचर्स पिछले 65 ईयर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और हमारी डिमांड सबको पता है, क्योंकि पिछले 65 ईयर से हम यही दोहराते आए हैं कि हमारी डिमांड यही है कि हमें कंटिन्यूशन चाहिए और वो कंटिन्यूशन उस एनालॉजी पे चाहिए जिस तरह 2006 में आप लोगों ने कंटिन्यूशन दी थी कंट्रेक्चुअल टीचर्स की। पहले उनको आप लोगों ने अकेडमिक अरेंजमेंट पे लगा दिया, बाद में उन्होंने आप लोगों ने उनको एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके बाद में आप लोगों ने उनको 5 साल बाद या 6 साल बाद उनको पहले कंटिन्यू किया और बाद में उनको रेगुलर किया। हम चाहते हैं कि उस एनालॉजी पे हमारी कंटिन्यूशन हो और बाद में आप लोग क्या करते हो, हमारे साथ कौन सी पॉलिसी बनाते हो, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। कम से कम हमें पहले कंटिन्यूशन दो ऑन द बेस ऑफ 2006 बैच। प्रताप पार्क, जिसको प्रोटेस्ट पार्क भी कहा जाता है, आज हम वहीं मौजूद हैं। अभी हमने एक प्रोटेस्ट कवर किया, अब हम दूसरा प्रोटेस्ट कवर करने जा रहे हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। इंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ने हमारे साथ की है। पिछले 12-13 साल से चल रहा है हमारा केस, यहाँ कोर्ट में भी पड़ा है, यहाँ असेंबली में भी पड़ा है। हम प्लस टू कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, हमने डिपार्टमेंट को बहुत सारी सर्विस दी है। पिछले 12-13 साल से लोग काम कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड है, नेट परसेंटेज है, नेट डिग्रियाँ हैं, PhD है। डिपार्टमेंट ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है कि एक ऑर्डर निकाला है 2003 में, दूसरा ऑर्डर 2007 में निकाला गया है कि आपको इसी ऑर्डर में लिखा गया है आपको 5 साल के बाद कंटिन्यू किया जाएगा, आपको 7 साल के बाद कंटिन्यू किया जाएगा। गवर्नर साहब ने हमें रिहायर किया था 11th of March से लेकर टिल 30th of June तक। 30th of June में हमें ऐसे डिसंगेज किया गया कि लोग बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयड यूथ भी सफ़र कर रहे हैं। दूसरी जानब से जो गवर्नमेंट है, हमें स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। पिछले 4 साल से हम स्क्रीनिंग क्वालिफाई करके आए हैं, जब डॉक्टर शाह फैसल साहब भी डायरेक्टर थे तो हमने स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई किया। गवर्नमेंट को पावर कराना चाहते हैं, एडवाइजर टू गवर्नर, गवर्नर साहब को, हर एक अमले को पावर कराना चाहते हैं, बाखबर कराना चाहते हैं, वाकिफ कराना चाहते हैं कि हमारे जो मुतालबात है इनको फौरी तौर हल किया जाए। जो हमें डिसंगेज किया गया है मिड सेशन में, ये हमारे साथ ज़्यादा इंसाफी हो रही है कि 30 जून में बच्चे जाए कहाँ और हम बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान जाए तो जाए कहाँ। मुझे नरेंद्र मोदी साहब का वो बिल्कुल वो मुकाबला याद आ रहा है, वो बात याद आ रही है कि हम हर एक बच्चे के हाथ में कलम देखना चाहते हैं, लैपटॉप का भी देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, उस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी साहब से, कहाँ है वो लैपटॉप, कहाँ है वो कलम कश्मीर के बच्चे के हाथ में, या हम टीचर्स के हाथ में मार्कर होना चाहिए। हमारे हाथ में बैनर्स लगे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, इतनी कड़ी धूप में हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने के लिए ये आवाज़ सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कश्मीर में जी, क्योंकि हम लोगों का प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी जम्मू में चल रहा है। अच्छा। और हमारी चेन एंगल स्ट्राइक जो 875 दिन हो गए हैं, यहाँ वहाँ टेंट लगा के प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं जी। और हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन की, क्योंकि सरकार ने हमारी रेगुलाइजेशन के लिए दो दो पॉलिसीज दी थी। ओके। एक 2003 में पॉलिसी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो लोग एकेडमिक अरेंजमेंट पे लेक्चर्स लगे हुए हैं उनको 3 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। अच्छा। वो कोई ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के बाद ही ऑर्डर हुआ था। सरकार ने पहले भी बहुत से लोगों को रेगुलराइज किया है, 93 में एडहॉक को रेगुलराइज किया था, 2003 में एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलराइज किया, उसके बाद 2010 में एक्ट बना के लोगों को रेगुलराइज किया। ओके। और उस फिर इन्होंने नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के लिए SRO 520 बनाया और उसमें भी हमारे लिए एक प्रोविजन है जिसमें ये बात कही गई थी कि जो 2010 के एक्ट में से लोग छूट गए हैं उनको हम SRO 520 में रेगुलराइज करेंगे। हम कहते हैं कि सरकार की तरफ से दी हुई पॉलिसीज जो हैं हमारे लिए 3-4 साल पॉलिसीज हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो हमारे साथ हमारे केस में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।